हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा और आज मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और यहां से हम जाने वाले हैं भोजपुर, जो यहां से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोजपुर रायसेन जिले में भोजपुर का भोजेश्वर शिव मंदिर स्थित है। बेतवा नदी के किनारे पहाड़ी पर बने इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा करवाया गया था, इसलिए भी इसे भोजपुर का मंदिर या भोजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त हम देख सकते हैं, आप वहाँ से मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे रोड पहुँच चुके हैं हम भोजपुर पे, और यहाँ से हम नारियल वगैरह की भी खरीदारी कर सकते हैं। और ये हम मंदिर के ये बाहरी गेट से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे, आपको एक लाइन से यहाँ पे कुछ शिलाएं सजी हुई मिलेंगी, इस पे आपको मंदिर की सारी जानकारियाँ पढ़ने को मिल जाएंगी, इस मंदिर की मैप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा है शिव मंदिर भोजपुर 11वीं शताब्दी के राष्ट्रीय स्मारक पे आपका स्वागत है। यह मंदिर भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल का यह नगर उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया है, इसका पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है ये मंदिर एक ही रात में निर्मित होना था, लेकिन छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई, इसलिए काम अधूरा रह गया। दोस्तों, इस मंदिर की अपनी कई रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहले गुंबदाकार छत वाली इमारत मानते हैं। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजे से सबसे बड़ा है। वर्गाकार गर्भगृह का प्रवेश द्वार चंद्रशिला युक्त है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग भारत में विशालतम माना जाता है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। यह मंदिर अलंकृत मूर्तियों से अंदर और बाहर से सुसज्जित है। इन सभी तथ्यों के बाद भी यह मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता की स्थापत्य कला को आज भी बनाए हुए है। मंदिर के गर्भगृह को आधार देते हुए चार विशालकाय स्तंभ इसकी वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। इस विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट है और पूरे शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट है और इसकी परिधि 17.8 फीट बताई जाती है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ सिद्ध योगियों ने दिव्य कल्याण के लिए यहाँ पे साधनाएं की, परंतु अचानक कुछ लोग जो ये नहीं चाहते थे उन पर आक्रमण कर दिए और अपने आप को बचाने के लिए वो शिवलिंग पे समा गए थे। आज भी उस शिवलिंग पे ये दरार देखी जा सकती है। इतनी प्राचीन मंदिर के निर्माण के दौरान भारी पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए ढलाने बनाई गई थी, इसका प्रमाण यहाँ आज भी देखे जा सकते हैं। इस प्रसिद्ध स्थल पर साल में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह की अच्छी अच्छी जगहों के साथ, कुछ नई कहानियाँ तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।